पतंग उड़ा रहे हो तो। तो फिलहाल गाइस हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है पतंग उड़ाते हुए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी के बज रहे 11। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड हुआ है बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो अभी हमने अपलोड किया है और अभी ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने आपको कल वादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे पतंग उड़ाते हुए। तो आज पतंग न्यू पतंग लाइए और पतंग को जो करना है वो बांधा जा रहा है। और हर्षित तो गए गाँव को, उनके गाँव को, और अपना मतलब कि अपना जो कृष्णा है वो रह चुका है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे ऊपर पतंग उड़ाने के लिए, तो आपको भी दिखाएंगे। सो गाइस, पतंग चली गई है ऊपर और दोनों लोग पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। तो यहाँ पे मुझे धीरे धीरे जाना पड़ेगा, मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा मैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे चलते है। तो यहाँ पे आ चुका है उजेला, तो अभी हम जाएंगे ऊपर पतंग देखने के लिए। यहाँ से दिखती है या नहीं दिखती आपको दिखाते है, यहाँ से नहीं दिख रही। और हे पतंग आप देख सकते हो, ये देखिए कितनी ऊपर चल गई है। और ये दोनों यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं और ये हम हमारे छत पे, तो ये दोनों यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं। ये गई हमारी पतंग ऊपर, तो कितनी ऊपर है ये देखिए। सन ग्लासेस भी नहीं लाए हमने और यहाँ पे सन है, तो यहाँ से पतंग आपको नहीं दिख रही होंगी। यहाँ पे पतंग नीचे जा रही थी। संभालो जरा। तो गाइस हम सन ग्लासेस लेके आते हैं, तो चलो गाइस नीचे चलते हैं। तो रुशिदा और यहाँ पे कर रहे हैं जो कि अब हम जाते हैं सनग्लासेस लेने। हमने सनग्लासेस ले लिए, आप देख सकते हो। तो चलते हैं ऊपर, तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे मतलब पड़ोसी का घर है, पड़ोसी का घर है गाइस। तो मतलब हमने उनसे पूछा कि हम पतंग उड़ाने जा रहे, तो उन्होंने बोल दिया जाओ। तो पतंग कहाँ पे? तो गाइस देखो इतनी कुछ आ गई है नीचे पतंग। ओ सही, मेरे को देख, तेरे को मत ले, तू वीडियो बना बाजू से। तो रुजिदा सनग्लासेस और कृष्णा को नहीं लाया, देख मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो देख लो सनग्लासेस के फायदे। तो हमें टेबल इधर रख लेते। तो गाइस हमने टेबल यहाँ पर रख लिया है, तो साफ कर लेते हाथ से, बाद में धो लेंगे। और चल रहा है हमारी पतंग, देख सकते हो। हाँ हो रे, देखो फैशन मॉडल। और ये जो पतंग है ये बहुत ही ज्यादा दिल्ली है, कोरोना की पतंग है, तो इसलिए अभी जा रही है ऊपर। देखिए उस पतंग के पास दिखा, कोरोना का थंबनेल काट ले। हमने थंबनेल निकाल ली है फिलहाल तो। और रुशिदा अब मेरे को उड़ाने की बात कर रहे, पतंग कहाँ पे? पतंग जाने दे, दिल दे, दिल दे। ओ भाई पतंग इधर आ गई, इधर से इधर आ गई। तो वो है आदित्य की पतंग जो कि आदित्य का घर वो है, आप देख सकते हो। और आपने आदित्य को देखा ही होगा तो मैच खेलते वक्त। और रुशिदा आप क्या कहना चाहें, पतंग उड़ा रहे हो तो? फिलहाल गाइस हमें बहुत ही ज़्यादा मजा आ रही है पतंग उड़ाते हुए। तो गाइस कल का वादा रुशिदा ने पूरा किया है, वो सब आपके वजह से। ये है घर जो कि है ऊपर का काम था और वो पूरा हो चुका है, मतलब पूरा होने वाला है, हो चुका नहीं, होने वाला है। अब मतलब एक दो महीना लगेगा, तो देख लो। सिर्फ कृष्णा बोल रहा है 15-20 दिन। लोको लोको वो मन पतंग ना मान जा, कमजोर है। तो गाइस आदित्य बोल रहा है कि काटा काटी खेले, तो मेरा भाई ने मतलब हमारे रुशिदा ने नहीं मुकार दिया, मतलब क्योंकि हमारा जो वो मतलब मांझा है जो कि 2 साल हो गए मांझे को। कराना का तू ना कराना तेरा।
सो गाइस, तो मैंने पतंग उड़ा के बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो सनग्लासेस मेरे पास है, तो सही भी उड़ा रहा है, तो अभी हम सनग्लासेस सही को दे देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पतंग उड़ाते, कई दिनों से नहीं उड़ाई थी, मतलब एक दो साल, हाँ एक दो साल से उड़ाई नहीं थी। तो फिलहाल पतंग बहुत ही ऊपर है, आपको दिखाते हैं कहाँ पे। और जो आदित्य है वो हमें बोल रहा है कि काटा काटी खेलते हैं, तो हमने नहीं बोल दिया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मतलब कि कमजोर मान जाए इसलिए। तो फिलहाल आपको हमारे पतंग दिखाते हैं और आदित्य की भी पतंग दिखाते हैं। चल गई हे वाली ऊपर वाली जो हम हो हमारी पतंग है, और हे जो वाली है आदित्य की पतंग है। तो हमारी पतंग ये देखिए, ये लोग उड़ा रहे हैं कृष्णा और सई। तो फिलहाल आदित्य की पतंग है ये और हमारी ऊपर है। सो गाइस, तो यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है। ये देखिए पूरे तरफ हरियाली हरियाली है, और यहाँ पे सई और कृष्णा पतंग उड़ा रहा है, और यहाँ का ऊपर का व्यू भी और नीचे का व्यू भी पूरा सही है। और जो आदित्य आपको दिखाते हैं, आदित्य, तो ये देखिए यहाँ पे वो दोनों लोग है, आपको इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस, कृष्णा ने एक बड़ा डेमो कर दिया जो कि पतंग को गिरा दिया, और देखो देख लो आगरा नहीं संभल ली, ये आगरा और ये पादरी। तो जो कि आप यहाँ का व्यू देख सकते हो गाइस, ये मेरे को पतंग नहीं उड़ाने दे रहे फिलहाल, मेरे को उड़ाने नहीं आती, इसलिए मेरे को उड़ाने दो। तो गाइस, आपको अगले वाले कैमरे से दिक्कत है। दुख भरी बात है, हमारी पतंग नीचे आ रही है जो कि इसको हवा नहीं लग रही। ये आदित्य की पतंग तो नहीं उड़ रही है जो कि देख सकते हो, आदित्य बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है पर उसकी पतंग उड़ ही नहीं रही है। देख लो यहाँ पे आ गया आदित्य की पतंग और है हमारी पतंग। तो पतंग नीचे आ चुकी है और आदित्य की भी पतंग नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो हवा भी आ रही है। अब ये आपको पतंग दिखा देते हैं, न्यू वाली पतंग। रुक जा यार, जाने दो, ये चलेगी पतंग, कोरोना वाली पतंग है। ये देखिए ये जा रही है, कृष्णा ने उसे भेज दिया है ऊपर सीधे, तो ये गई। तो फिलहाल अभी सही उड़ाने वाला है, ये देखिए, मतलब कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सहने ना, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी पतंग जा चुकी है, और इधर जो सन है इसके लिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो पतंग जा रही है फिलहाल। तो कैसे यहाँ पे आ चुकी है हमारी शिपिना जी, ये देखिए ऐसे घूम जाओ आजी, ये हमारी शिपिना जी, और हम इनके छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए, तो शिपिना जी देख रही है हमारी पतंग कितनी ऊपर गई है, तो इनको काला चश्मा लग गया है शिपिना जी को, आंखें काम नहीं करती शिपिना जी की, इसलिए आजी जा रही है नीचे, और इधर पतंग बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई है। ये देखिए, और ये दोनों यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए आदित्य की भी पतंग चली गई है, ये देखिए यहाँ पे, और आदित्य यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है। ये देखिए उनकी पतंग है यहाँ पे, और ये यहाँ पे। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक ओ। सो गाइस, अभी के बज रहे हैं 8, और हमें मतलब कि हम पतंग उड़ा के आ चुके थे, और मैं चला गया था क्लास को फिलहाल। तो अभी हम करते हैं डिनर में है खिचड़ी, और एक बात गाइस, हमारे यहाँ पे मतलब कि ज़्यादातर खिचड़ी रहती है, और तो चले हमारे कंटिन्यू करते वीडियो। तो डिनर भी हम अभी कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे वीडियो में क्या करना है क्या नहीं, तो आपको मिलते हैं डिनर करने के बाद। फाइनल गाइस, हमारा डिनर हो चुका है, और गाइस आज हमें फुल मज़ा आ गया है पतंग उड़ाते हुए। हमने कल भी पतंग नहीं उड़ाई थी, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से जाइए ब्लॉग में और देखिए कल वाला ब्लॉग। और तो और आज फुल मस्ती की है हमने, और ये जो सई को भी मज़ा आ चुका होगा। कैसा लग रहा है पतंग उड़ा के?
एक नंबर। ज्यादा पता हम नहीं उड़ाई है, सही ने नहीं। तो फिलहाल मम्मी पापा का भी डिनर हो चुका है और यहाँ पे बैठे हुए ये देखिए, और साई भी हमारे साथ वीडियो कर रहा है। तो कृष्णा भी गया है नानी के घर डिनर करने के लिए अभी। और एक बात गई, हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पतंग उड़े, बाकी का वीडियो आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारी भी प्रॉब्लम रहती है एक ही मोबाइल है तो, कि इसमें ही वीडियो बनाना पड़ता है, इसमें ही एडिट करनी पड़ती है, इसमें ही और नीचे वालों को भी फ़ोन करना पड़ता है, कहीं पर ले जाना पड़ता है और उसकी स्टोरेज भी फुल हो जाती है। हाँ, और तो उसके बीच में ही वीडियो करते करते स्टोरेज फुल हो जाती है। तो गाइस आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग, बाय। जो कृष्णा है वो रह चुका है यहाँ पे और उसकी मम्मी और बहन गई गांव को। हर्षु एक ही जगह की रुक, एक ही जगह बोल, ठीक है।